दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोमा दे विच जा सकते ने। उन्हां दी सेहत नाल वड्डे पद्धर ते खिलवाड़ हो रहा। राज्यसभा सांसद संजय सिंह दे वल्लों वड्डे इल्जाम लगाए गए ने। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दा शुगर लैवल लगातार घट रहा, हुण तक 5 वार घट चुकिया। जेल प्रशासन दे वल्लों किसी भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं किया गया और उन्होंने वल्लों तिहाड़ की मैडिकल रिपोर्ट से अपना पक्ष रखा गया। शुगर घट होने के कारण ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बनिया होया। उन्होंने अपना हवाला देंदे हुए कहा कि मैं भी जेल के बंद रहा, जदों कई बार कोई एमरजेंसी होंगी हो घट ही कोई ध्यान दिता, जिन्ना मर्जी जेल के दुहाई पाई जाए। उन्होंने सवाल किया कि रात वेले केड़ा डॉक्टर जेल दे विच मौजूद हुंदा, ए दस्या जावे। उन्हां दी सेहत दी स्थिति अजिही है कि जेकर उन्हां नूं जल्दी जेल दे विचों बाहर ना लिआंदा गया, इलाज ना कीता गया, तां उन्हां दे नाल कोई भी गंभीर घटना वापर सकदी है। उन्हां नूं जदों कि 21 मार्च नूं ईडी ने आबकारी नीति नाल जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले दे विच केजरीवाल नूं गिरफ्तार कीता सी, तां उन्हां दा वजन 70 किलो सी, जो कि घट के 61.5 किलो हो गया। उन्हें दावा किया कि उन्हों का वजन लगातार घटन के नाल पता नहीं क्यों कोई जांच नहीं हो रही। उन्हें यह भी कहा कि वजन घटना किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। उन्हें यह भी कहा कि केजरीवाल का परिवार आप अते उन्हां दे शुभ चिंतक जेल दे विच उन्हां दी सेहत नूं लै के फिक्रमंद ने। संजय सिंह ने दोष लाया कि भाजपा ते केंद्र दी उसकी सरकार का मकसद उन्हां नूं जेल दे विच रखना ते उन्हां दी जिंदगी दे नाल खिलवाड़ करना है। ਉਹ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਾ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਲਗਭਗ 5 ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਬ ਰਾਤ ਮੇ ਉਨਕਾ ਸ਼ੂਗਰ ਅਚਾਨਕ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ 50 ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਗਿਆ, 50 ਸੇ ਵੀ ਕਮ ਗਿਆ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ। ਔਰ ਆਪ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूँ 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है, तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूँ 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? लगभग 5 बार ऐसा हुआ है जब रात में उनका शुगर अचानक डाउन हुआ और वो 50 से भी कम गया, 50 से भी कम गया शुगर लेवल। और आप जानते हैं कि शुगर बढ़ना तो एक बार आप कंट्रोल कर सकते हैं, अगर शुगर आपका लगातार गिर रहा है और अचानक ऐसे गिर रहा है, सोते समय गिर रहा है,
तो कोई भी व्यक्ति कोमा में जा सकता है। ये स्थिति अभी हम लोगों ने देखा था, जब आतिशी का शुगर लेवल 41 पहुंच गया तो डॉक्टरों ने कहा कि ये कोमा में जा सकती है, इनको एडमिट कराइए तुरंत। 50 से नीचे 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का शुगर लेवल गया, 5 बार। कौन रहता है रात में हॉस्पिटल जेल के सेल के बाहर? कौन सा डॉक्टर बैठा रहता है? कौन सा डॉक्टर रात की ड्यूटी करता है जेल के अंदर? मैं खुद रहा हूँ 6 महीने, आप घंटी बजाते रहिए, बहुत मुश्किल से आपको रात में अगर कोई समस्या हो गई तो ओपीडी ले जाया जाता है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है?